नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं अपने टेला फार्म पे, जहाँ आप देख सकते हैं अभी बड़े स्केल पर अभी टीक प्लांटेशन चल रही है। इस फार्म को हम 15,000 के आसपास टीक प्लांट लगा रहे हैं। कुछ पिछले साल के लगे हुए प्लांट आपको उधर दिख रहे होंगे, काफ़ी जो भी हाइट ले चुके हैं, 12-15 फीट के भी हैं और 8-10 फीट के तो बहुत सारे ही हैं। और ये नया फॉर्म हम तैयार कर रहे हैं, पूरा इसमें ड्रिप इरीगेशन के साथ हम इस प्लांट्स को लगा रहे हैं। उसमें कुछ पौधे लग चुके हैं, बाकी प्लांटेशन चल रही है। ये पूरे में ड्रिप सिस्टम लगा रहे हैं और साथ में प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। तो ये बहुत ही प्रॉफिटेबल वेंचर है। बर्मा टिक की खेती सबको करनी चाहिए, क्योंकि बर्मा टिक मौसम को ठंडा और जयपुर गर्म करता है। और ये हमारा भी सिटिंग अरेंजमेंट हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद तुलसा जी आपका। अब जहाँ से हम छाए में आराम से, ये नीम का बड़ा विशाल पेड़ है, ये भी किसी टाइम मेरे हाथ का लगा हुआ पेड़ है। पेड़ लगाने के लिए देखो कितना बड़ा हो गया, छाया दे रहा है। इसके नीचे हम बैठे हैं, ये 2-2.5 फीट का पौधा मैंने लगाया था। और ऐसे काफ़ी पेड़ लगाए थे मैंने, इसमें पीछे पूरी लाइन आप देख रहे होंगे, काफ़ी अलग अलग ब्लॉक को मैंने काफ़ी पेड़ इसमें लगे हुए हैं, नीम के, जामुन के, अनार, नींबू और आंवला। और अब बर्मा टीक से हम इसको लबालब कर देंगे और बीच में हम करेंगे इंटरक्रॉपिंग, सह फसल लेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। इसमें पूरी फील्ड चल रही है, बढ़िया पौधे लगाए जा रहे हैं। ये देखो छोटा सा पौधा आपको दिखाता हूँ, आपको इस तरीके से दिखता है। और इसके साथ ये ड्रिप इरीगेशन, और इसके साथ ये ड्रिप इरीगेशन सिस्टम लग गया है। बूंद बूंद करके पानी पौधे की जड़ों में जा रहा है, पौधे में लगा हुआ है। बढ़िया खेती करो दोस्तों, नेचर को कुछ दो। अब तक तो बहुत कुछ लिया है नेचर से। आज अब कोरोना टाइम में हम देखते हैं एक ऑक्सीजन सिलेंडर कितना महंगा मिल रहा है, और मिल ही नहीं रहा पैसे देने के बाद भी। यहाँ तो हमने ऑक्सीजन की पूरी फैक्ट्री लगा दी है, 15,000 पेड़। आप सोचो कितने ऑक्सीजन देते हैं, कोई देखे तो कमेंट में बताना 15,000 पेड़ से हम कितनी ऑक्सीजन जनरेट करेंगे हर साल। थैंक यू।